हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की योगाजल क्रिया के बारे में बताया था, नाभिक रागी योगाजल क्रिया के बारे में। आइए इसको दूसरा रिएक्शन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अपचयन के बारे में। तो ध्यान से देखें, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन में पहला है आपका हेडिंग एल्कोहलों में अपचयन। ठीक है, एल्कोहलों में अपचयन ध्यान से दें, देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड अर्थात NaBH4 अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAl(H4) या फिर उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होता है, जिससे एल्डिहाइड जो है प्राथमिक एल्कोहल जबकि कीटोन जो है द्वितीयक एल्कोहल देता है। यह अपचयन किसके द्वारा कराया जाता है? तो यह अपचयन जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा या फिर उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको जो है पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर 11 में, देखें ध्यान से। हाँ, यह आपको बताया गया था कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन द्वारा। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा जो है एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड या कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनन, ठीक है, हाइड्रोजन के योजन द्वारा, जिसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कहेंगे, के द्वारा संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन के लिए किसका उपयोग करेंगे? सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल का उत्प्रेरक की तरह यूज करते हैं, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन द्वारा एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं, जिसे उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कहते हैं। इसके लिए उत्प्रेरक सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAl(H4) के साथ अभिक्रिया द्वारा भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा तरीका आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी आप बना सकते हैं। एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा प्राथमिक एल्कोहल बनता है जबकि कीटोन के अपचयन द्वारा द्वितीयक एल्कोहल बनता है। समीकरण आप देख रहे हैं RCHO एल्डिहाइड अपचयन कर रहे हैं उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन पैलेडियम के द्वारा, हाइड्रोजन का योजन हो रहा है जिससे आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, RCH2OH अर्थात प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह अगर कीटोन रहेगा RCOR- तो यह जो है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की उपस्थिति में कीटोन से आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा, RCHOH- प्राप्त होगा। तो यह पहला रासायनिक अभिक्रिया था एल्डिहाइड और कीटोन का, जो कौन सी अभिक्रिया थी, अपचयन अभिक्रिया थी। ठीक है, तो आइए दूसरा अभिक्रिया देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। दूसरा है हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। ठीक है, पहला था आपका एल्कोहलों में अपचयन और दूसरा है हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह अम्लगमित जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है, जो CO समूह है, वह अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl द्वारा अभिक्रिया से हाइड्रोकार्बन में अपचयन हो जाता है। ठीक है, इसे क्लेवेंसन अपचयन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए क्लेवेंसन अपचयन के बारे में, यह आपका कार्बोनिल समूह है जो एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो कार्बोनिल समूह है वह जिंक, ठीक है, और सांद्र HCl, जिंक और सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका अपचयन हो जाएगा और आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ठीक है, इस सब क्रिया को क्लिवेंशन अपचयन कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका है हाइड्रोजीन के द्वारा, यह आपका NH2 हाइड्रोजीन है। ठीक है, हाइड्रोजीन के साथ कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, एथिल ग्लाइकॉल, तो अभिक्रिया कराने पर यह आपका कंपाउंड प्राप्त होगा। फिर इस कंपाउंड का, इस यौगिक का एथिल ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में, एथिल ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्राइड साइड के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, जिससे यह हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। इस अभिक्रिया को उल्फ किसनर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक है आपका क्लिवेंशन अपचयन, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन जो है हाइड्रोकार्बन में हो जाता है। इसका अपचयन कैसे कराते हैं, तो इसका अपचयन अम्लगमित जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इसका अपचयन होता है, जिससे हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त होता है, जिसे क्लिवेंशन अपचयन कहते हैं। दूसरा तरीका है कि कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराया जाए। पहले किसके साथ अभिक्रिया कराया जाए, हाइड्रोजीन के साथ, NH2 के साथ। ठीक है, उसके बाद यह आपका उत्पाद बनेगा CnNH2, यह आपका उत्पाद बनेगा। फिर इसका अभिक्रिया जो है एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में, एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे यह टूट जाता है और हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को उल्फ किसनर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लिवेंशन अपचयन के द्वारा और उल्फ किसनर अपचयन के द्वारा हमें कार्बोनिल समूह से हाइड्रोकार्बन समूह प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोनिल समूह जो है वह हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। क्लिवेंशन अपचयन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अम्लगमित जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जबकि उल्फ किसनर अपचयन के लिए पहले आप हाइड्रोजीन का यूज करते हैं, उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको उच्च क्वथनांक वाले एथिलीन ग्लाइकॉल वाले विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसे उल्फ किसनर अपचयन क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह था आपका अपचयन। पहला आपने पढ़ा एल्कोहलों में अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन का, दूसरा आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीकरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।